हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट क्या आप जानते हैं कि अस्त्रा एम के वन एयर टू एयर मिसाइल क्या है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ताकि सप्लाई की जा सके अस्त्रा मार्क वन जिनको डिप्लॉय किया जाएगा ऑन फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी आइए जानते हैं क्या है ये अस्त्र मिसाइल अस्त्र एम के वन एक बियॉन्ड विजुअल रेंज बी वी आर एयर टू एयर मिसाइल है एम मिसाइल अस्त्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ऑफिशियली इन द अर्ली टू थाउजेंडस और ये मिसाइल्स डिज़ाइन और डेवलप की गई हैं बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी अस्त्रा मिसाइल्स डिप्लॉय की जाएंगी ऑन द फाइटर जेट्स लाइक सुखोई थर्टी एम या तेजस ऑफ इंडियन एयरफोर्स और मिक ट्वेंटी के ऑफ द इंडियन नेवी यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो कैपेबल होती है एंगेजिंग द टारगेट बियॉन्ड द विजुअल रेंज ऑफ ट्वेंटी नॉटिकल माइल्स जो कि अराउंड थर्टी सेवन किलोमीटर्स होता है आइए जानते हैं अस्त्रा मिसाइल के वेरिएंट्स और उनकी रेंजेस फर्स्ट वेरिएंट है अस्त्रा एम के वन जिसकी रेंज है अराउंड हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर्स सेकेंड वेरिएंट है अस्त्रा एम के टू जिसकी रेंज है ओवर वन फिफ्टी किलोमीटर्स और ये अभी अंडर डेवलपमेंट है तीसरा वेरिएंट है एम के थ्री जो कि अभी प्लानिंग स्टेज पर है अस्त्रा मिसाइल का एक और वर्जन जो कि एम के वन से स्मॉलर रेंज का होगा वो भी अंडर डेवलपमेंट है आइए देखते हैं क्या है अस्त्रा मिसाइल्स की सिग्निफिकेंस सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रिड्यूस करेगी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सोर्सेज और इस तरीके से ये कंट्री को आत्मनिर्भर बनाएगी और साथ ही साथ रिड्यूस करेगी इम्पोर्ट बिल अस्त्रा मिसाइल्स क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स हैं इसलिए ये हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोवाइड करेंगी लार्ज स्टैंड ऑफ रेंजेस ये मिसाइल्स न्यूट्रलाइज कर सकती हैं एडवर्सरी एयरबॉन एसेट्स विदाउट इवन एक्सपोजिंग द एडवर्सरी एयर डिफेंस यहाँ पे आपको स्टैंड ऑफ रेंज का भी मतलब बता देते हैं स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब ये होता है कि जब मिसाइल ऐसे डिस्टेंस से लॉन्च की जाती है जो कि इतना सफिशेंट होता है ताकि जिस टारगेट पर मिसाइल दागी गई है वो भी अगर एक डिफेंसिव फायर करे, तो उससे भी हम बच सकें अस्त्रा मिसाइल टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली सुपीरियर है मैनी इम्पोर्टेंट मिसाइल से अस्त्रा मिसाइल्स ट्रैवल कर सकती हैं फोर टाइम्स द स्पीड ऑफ़ द साउंड और इनका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है ट्वेंटी किलोमीटर्स जिसके कारण ये मिसाइल्स काफ़ी फ्लैक्सीबल कैटेगरी में आती हैं तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग अस्त्रा एम के वन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं थैंक यू